सौम्या आज एकेडमी से जल्दी जल्दी निकला भाग भाग के, क्यों? तो उसके घर के जो आम है वो बेचने के लिए यहाँ पे बैठा है। हाउ सिंसियर ही इज, वो जितना दिखता है ना उससे ज़्यादा सिंसियर और मेहनती है सौम्या। किती राहिले आंबे ते सगळे मला चल, कितीचा धंदा केला तू? किती? 285 रुपीजचा बिझनेस केला आणि आपले आपल्याला आम्हाला किती देणार आहे? 30 रुपयाला किती? बघू दाखव, 5 आंबे 30 रुपयाला। उमुशेटला आम्ही देणार ना भाई, किती परत देणार 100 मधले? 100 दिले, 30 रुपयाचे आंबे आले अंगत। ओमू परत किती देणार आपल्याला? 70 रुपीज, करेक्ट। थँक्यू, हसाय ठेव साहेब। ओके ओम्या, थँक यू व्हेरी मच। इट्स 10:30 एंड अभी कैमरा हाथ में लिया है। अंगद का स्कूल चालू है, अग्नि का भी स्कूल चालू है और आज हम लोग ने बच्चों की फीस पेमेंट की है। अंगद का फीस पेमेंट हो गया है बट अग्नि का फीस पेमेंट पेंडिंग बता रहा है। दो बार प्रोसेसिंग में ही है। अभी मेरे को डर लग रहा है कि दोनों अगर अप्रूव हो जाएगा तो डबल डेबिट पड़ जाएगा, यार ऐसा क्यों किया। बट नो इश्यूज, मंथली इंस्टॉलमेंट है तो अगर गया दो बार पेमेंट तो भी इशू नहीं है। अगले महीने में स्कूल से एडजस्ट करवा के ले लेंगे। बट ये एक होता है कि एक का हो जाता है और एक का नहीं होता, ये क्या फंडा है भाई? ऑनलाइन ट्रांसफर का यही दिमाग को झंझट है। और बाकी का क्या हो रहा है, डेबिट कार्ड को स्कूल चार्ज मार रही है, आई थिंक नेट बैंकिंग को भी चार्जेस है 70-80 रुपया या 100 रुपया कुछ, तो उसको भी चार्जेस है, पेटीएम को चार्जेस है, ओनली यूपीआई को चार्जेस नहीं है। तो हम लोग ने यूपीआई ऑप्ट किया, यूपीआई में अंगद का पेमेंट हो गया, अग्नि का बाकी है। सो एनीवेज दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द चैनल। एंड हमारे बाबा बैठे हैं। बाबा बोल, आर यू फीलिंग ओके? आर यू फीलिंग गुड? तू नाश्ता केला, पेडिग्री खाल्ला का तू? एंड बोल्टू के लिए गुड न्यूज़ है। ये गुड न्यूज़, हम लोग ने बोल्टू के लिए लड़की देखी है, बोल्टू की शादी करवानी है। हाँ तुझे सैटरडे संडे बोल्टू जरा डेट को जाने वाला है। डेट को कुठे जाणार आहे तू? बन्नीकडे जाणार। ओ सैटरडे का बोल्ट का डेटिंग का प्रोग्राम बनाया है हम लोग ने। लेक्चर अटेंड द लेक्चर बॉय, फीस भरली आता नीट अटेंड करा लेक्चर काय? मराठी आहे? मराठीमध्ये आर्किमिडीज कुठून आला? आर्किमिडीज सायन्समध्ये? युरेका माहिती आहे कोण ओरडला होता? आर्किमिडीज ओरडला होता। कालचं ड्रॉइंग झालंय का नाही तुझं? बादली आंबे आणि नेसकॉफी आज करणार आहे, लेक्चर झाल्यावर करणार आहे दीदी। करावंच लागणार आहे, पर्याय नाही तुला काय। अंगदचं पेमेंट झालं स्कूलचं, तुझं झालं नाही अजून, तुझंच का होत नाही? तुझंच कुठेतरी का घोडा अडकत? लेक्चर अटेंड कर, इकडे तिकडे बघू नको। हम लोग ने लास्ट वीक जो आम लाए थे ना गाँव से, वो पकना शुरू हो गए थे। अंगद ने तोड़े हुए आम है, कलर देखो उसका। हाँ यार अग्नि, ह्याच्यातला एखादा कलर्ड मँगो घ्यायचा ना तुझ्या त्या ट्रे मध्ये बादलीच्या बाजूला, जरा रंग आला असता। हे देखो, पकना शुरू हो गए है अभी। इनका जो ये डेट है ये भी टूट रहा है, ड्राई हो गया। देखो इसका पूरा जो एसिड है ना वो अंदर चला गया और आम पकने चालू हो गए हैं। और ये ऐसे छोटे गोटी आम, ये भी बहुत मीठे होते हैं। सौरा के डैडी का मैसेज आया था कि वो M3 स्पोर्ट्स में आ रहे हैं, उनको कुछ बैट्स लेने हैं उनके स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप आओगे तो बहुत ही अच्छा होगा। तो मैंने बोला है कि भाई अंगद का लेक्चर हो जाएगा जैसे 12 बजे, तो हम लोग 12:30 तक M3 स्पोर्ट्स पहुँच जाएंगे। एक बात बतानी रहेगी, एक्चुअली स्वरा के डैडी उनके गाँव में एक छोटी एकेडमी चलाते हैं एंड वो स्वरा को यहाँ पर भेजते हैं फॉर बेटर इम्प्रूवमेंट एंड बच्चों के साथ बॉन्डिंग के लिए। भोर के किसी गांव में, इनका गांव का नाम मेरे को याद नहीं है, बट भोर जो मेन प्लेस है, भोर करके मेन तालुका प्लेस है, वहां से उनका गांव आई थिंक 10 या 15 किलोमीटर और अंदर है। वहां पे एक छोटा स्कूल रहता है ना, स्कूल का ग्राउंड एंड मंदिर है, और मंदिर का जो शेड रहता है उसमें वो अकेडमी लेते हैं। अभी शायद उनके पास बच्चों की स्ट्रेंथ आई थिंक 4 या 5 स्टूडेंट है, बट दोस 4 या 5 स्टूडेंट आर एक्सेलेंट। सब बच्चे एकदम परफेक्ट हैं एंड सब बच्चे एकदम टैलेंटेड हैं एंड परफेक्ट। वो हम लोग जो प्रोग्राम बच्चों को देते हैं वो सेम प्रोग्राम वो वहाँ पे फॉलो करता है, तो जो कुछ बच्चों की ग्रोथ है ना बहुत ज़बरदस्त है एंड बहुत फास्ट है। सो एक बात तो पक्का है, हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है दैट इज़ प्रूवन एंड डुप्लीकेबल है, वैसे का वैसा हम लोग डुप्लीकेट कर सकते हैं। काय बर्गर पाहिजे सकाळी? हाँ वासावरनं ओळखता येते, वासावरनं ओळखता आलं पाहिजे। स्मेल से पहचानने को आना मांगता है, क्या कर रही है? तो कांदा है आणि तो हे आहे आणि मम्मा बनवते उपमा, विचार मम्माला।
मी रेसिपी बघून सांगू शकतो वासावर सांगू शकतो काय बनवते ती म्हणजे कन्फ्युज गेम बॅक काय टेलिपथी हो गया क्या मेरे को हा मग हे करतोय का लेक्चर अटेंड करते संपला काय संपला उपमा खा उपमा उपमा अँड नेसकॉफी ए नेसकॉफी आम्हाला नेसकॉफीचा बघ मग कुठे आमचा चित्र काढायला घेतला तो परत नाही आणून दिला उप्स चालेल ना उपमा का बर्गर पाहिजे नको वन आवर लेटर चला बाय बाय दीदी आम्ही चाललो शॉपिंग करायला तुला नाही बोलतो बाय बाय M3 भी जाएंगे और चैंपियन स्पोर्ट्स भी जाएंगे तो अंगद को थोड़े टी शर्ट वीशर्ट लेने हैं मुझे मुंबई को अंगद ने शॉपिंग करी है बट अंगद के जो भी शर्ट लिए हैं उन्होंने अच्छे खासे आदिदास और नाइकी के वो अंगद को हो रहे बड़े मतलब एक साल तो पक्का अंगद को आने वाले नहीं है एक साल तक क्या करेंगे बाकी अगर डैडी M3 में आए रहेंगे तो पहला M3 जाएंगे अगर उनको आने में लेट हो रहा रहेगा तो हम लोग चैंपियन जाके फिर M3 आएंगे ओके कपीश हमारा सब्सक्राइबर है M3 स्पोर्ट्स में आज उसको मिलने का मौका मिला अंगद को मिलना है मिल लो हाय ऑल द बेस्ट थैंक यू निकालो आपको दोनों एक दिवस ना रहेगा ऊपर हम एक दिवस सही भी बोलते हैं बाय 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 काम बन गया मैं कैसी का नको नको चलो तीन बैट फाइनल किया है स्वरा के डैडी ने स्वरा के जो तीन कली है उनके लिए अलग अलग नंबर एक 6 नंबर का बैट है एक 5 नंबर का है और एक 4 नंबर का ऑल द वे फ्रॉम भोर आए वो यहाँ पे बैट लेने के लिए तो शॉपिंग हो गया फाइनल पेमेंट कर रहे हैं फिर हम लोग अंगद और हम लोग जाएंगे घर पे ओके दादा कुठे दादा युवा कुठे चला भेटू दादा का A few moments later. खाऊन गया पटपट आपल्याला काय ओ स्त्री ती आपण गेल्यावरती जेवणार आपण गेल्यावर जेवणार का मी आणार अरे म्हणजे तिचं काहीतरी प्लॅनिंग आहे ना अंगया तिचं प्लॅनिंग आहे तुला कळलं नाही अजून आम्ही गपचूप मेंढी मागू नाहीतर दीदी अंगया तुला कळलं नाही अजून आणि हे काय मांजर म्हणून बसले घरात मला शिंग फुटले शिंग फुटले मम्मा सिंग सिंग आहे सिंग शिंग फुटले मम्माला जाऊन झोपायचं हा आकडे मग झोपायचं नाही आम्हाला अरे काय कुत्रा घ्यायचा डॉग घ्यायचा ती डोरी 20,000 नो 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 न्यू डॉग ओनली बोल्ट अँड बोल्ट के बाद नो डॉग तुझं वेगळं घर घेतलंस ना की मग डॉगी मग 10 डॉगी घ्या नाही तर 15 डॉगी घ्या तुम्ही काय घ्यायचे ते घ्या ओके घ्या तू पण आता आम्ही अंगद पाळलाय ना अंगद पाळलाय आणि तू पाळलाय त्यामुळे आता आता कुत्रा एक एवढाच नो न्यू डॉग जॉकी का डिसिप्लिन नव्हता चल 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 निघा बाहेर चला हो बाहेर ए फ्यू मोमेंट्स लेटर आओ आओ छोटे मेरे लाल मेरे पीले नीले हिले हरे 100 रुपये दे मला द्यायचं मी तुझी एक गोष्ट देणार आहे तुला तुम्हारी एक चीज मेरे पास है आईशो पण देणार आहे दिलं तर मग देणार 100 रुपये नाही मग नाही देणार अरे झाडाला मार नको सॅनिटायझर दे ओम्या तुला काय माहिती म्हणजे त्यात काय घासलेट आहे काय किड्याला मारायचं नसतो ओम्या प्रॉमिस मी असं कोणाला मारणार नाही किड्या बिड्याला इकडे अरे तुझा बॉल शोधला मी एवढा काल थांबून हे बघ बोला तर गो तेरा प्रॉब्लेम मेरा प्रॉब्लेम मी शब्द दिला होता मी तुझा बॉल शोधून दाखवून तू गेलास पण मी शोधलो पहिला पैसा देण्याचा बाबा
ते जे 500 रुपये बाकी आहेत माझ्याकडे साल्या, ते आपण बेट लावली होती ती स्कायला, हा त्याचे 500 रुपये बाकी आहेत ना भाई, पण जाऊ दे तुला डिस्काउंट दिला मी, चल इयरली डिस्काउंट दा पॅडअप कर, बाटली बघू ना लागतो काय, अरे एवढी एवढी बाटली कशासाठी आणली ती ओम्या, हा केवढी मोठी बाटली आहे, हा ही बाटली 2 तासाला पुरणार आहे तुला, काय व्हायचं आहे याच्यात तुला, बॉटल फ्लिपला आणली आहे, चिंबू नका हो ओम्या, आता तुझे गाल बाहेर येतील त्या हेल्मेट मधनं, हा जरा जरा जास्त हे बघ कसे आले बघ बाहेर पडतील आता त्या जाळीतनं ते शी ओम्या ते घाणेरडं बोट नको टाकू आतमध्ये, डिस्गस्टिंग कर कर राईट किसान ओम्या हल चला रे, अरे जरा वर उचलायचं असते, हा असं उचल, हा असं, हा मग अरे गायबान्या असं असं, हा असं असं करेक्ट करेक्ट शवाश यू कॅन डू इट ओम्या, हा वर घे परत जड लागायला लागलं की वर घ्यायचं, परत खाली परत खाली परत वर परत खाली, ए ती माती उकरशी नांगर नाही येतो ओम्या, नॉकिंग करायला चल, मी एवढ्या गव्यात काढलं हो तिकडे चल, 1 hour later आंबे उरले की नाही संपले सगळे, बघ त्याला कसा हिशोब करताय तू ओम्या, को हिसाब आता आहे करणे को, मग ओम्या शेठ आंबे कसे दिले ओम्या, आज अकॅडमी से जल्दी जल्दी निकला भाग भाग के, क्यों तो उसके घर के जो आम है वो बेचने के लिए यहाँ पे बैठा है, हाउ सिंसियर ही इज, वो जितना दिखता है ना उससे ज़्यादा सिंसियर और मेहनती है ओम्या, किती राहिले आंबे ते सगळे मला चल, त्याला रायवळ आंबे म्हणतात गोटी आंबा, अरे कितीचा धंदा केला तू, रुपीचा बिझनेस केला आणि आपले आपल्याला आम्हाला किती देणार आहे, 30 रुपयाला किती बघू दाखव, 5 आंबे 30 रुपयाला, उमू शेठला आम्ही देणार ना भाई, किती परत देणार 100 मधले 100 दिले 30 रुपयाचे आंबे झाले अंगत, ओमू परत किती देणार आपल्याला 70 रुपीज करेक्ट, थँक्यू द्या बघ ओम्या किती मेहनती आहे, तो अकॅडमीमधनं येऊन आंबे विकायला बसलाय, हा साईड ठेव साईड, ओके ओम्या थँक्यू व्हेरी मच, सगळे संपले चलो बाय 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 बाय, कैसा है ओम्या अपना, आम बेचने को बैठा था भाई, बहुत मेहनती है लड़का वो, दिखता है वैसा नहीं है, एकदम सिंसियर क्यूट बॉय, अरे तू तू काट त्यांनी काही खाल्लेलं नाही आहे, आते ही अंगद को बॉम्बार्डिंग किया इन्होंने कि हम लोगों ने बर्गर खाया और तेरे लिए, अरे ते बर्गर खाल्ला असता त्यांनी दही इकडे वेफर खात बसली असती का ही भया, काही नाही खाल्लं त्यांनी टेन्शन नकोस, आज ओम्याबद्दल माझ्या मनात रिस्पेक्ट खूप वाढलाय, का माहितीये का, वास घेते का वाव, अरे दे शीक आहे तोंड काय वाकडं करते वक्रतुंड, ओम्या आंबे विकायला बसला होता 380 रुपये आणि आमचे 30 रुपये असे 410 रुपयाचा बिझनेस केला त्यांनी, मला काय वाटलं जाईपर्यंत मिळतील, जाईपर्यंत ओम्याने संपवले ते आंबे, ओम्या बोला संपले सर नशीब टायमात आले तुम्ही, नाही तर सगळे सगळी पाठी संपवली ओम्याने, मी पॅकअप करून जाईपर्यंत ओम्याने आंबे संपवले होते, जबरदस्त ओम्या एकदम फुल एस एस सेल्समॅन आहे, ओम्याचे आंबे ते ओम्याचे प्रेम ओम्याचे प्रेमाचे आंबे, काय बोल कसं कसं कसं, चलो दोस्तो इट्स 6 o'clock आज मुझे बाहर जाना है, थोड़ा हमारा पार्टी का प्लान है, हाँ इन लोग को घर पे छोड़ के मैं पार्टी करने जा रहा हूँ, तो आज का ब्लॉग थोड़ा जल्दी खत्म करता हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेयर कीजिए, नॉट डेली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट दैट बेल आइकन, तो नई वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको आती रहेगी, सो दोस्तों एज ऑलवेज एडियोस अमिगोज।